इस वक्त आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी, मैं आपके साथ में। हाई सेक्टर अपडेट की बात करें तो एमपी आरक्षक जीडी और आरक्षक रेडियो के 6000 पदों के लिए शारीरिक परीक्षा आज से 5 जून के बीच होगी। प्रदेश में जबलपुर, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन व सागर के सेंटर्स पर सुबह से शारीरिक परीक्षा होगी। अभ्यर्थियों को 800 मीटर की दौड़, लंबी कूद, गोला फेंक में अपना दम दिखाना होगा। छठवीं बटालियन के कमांडेंट रुडोल्फ अल्वारेस के मुताबिक शारीरिक परीक्षा तेज गर्मी को देखते हुए सुबह 6:30 से आरंभ होगी। ऑनलाइन परीक्षा में सफल आवेदकों की पीईबी की वेबसाइट से अपना सूचना पत्र डाउनलोड कर लाना होगा। आवेदकों को शारीरिक दक्षता के लिए जो तारीख और स्थान सूचित किया जा रहा है उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। शारीरिक दक्षता चयन के विभिन्न चरणों के आधार पर ईकेवाईसी सत्यापन कराया जाएगा। इसके लिए सभी आवेदकों को अपना आधार कार्ड के साथ लेकर बुलाया गया है। साथ ही आवेदक ये भी सुनिश्चित कर ले कि उनका आधार नंबर कहीं लोक तो नहीं है। आवेदकों को अपने साथ सारे मूल दस्तावेज और उनके स्वप्रमाणित कॉपी परीक्षण के लिए लेकर बुलाया गया है। प्रदेश में आरक्षक जीडी और आरक्षक रेडियो के कुल 6000 पदों पर भर्ती के लिए मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड भोपाल द्वारा ऑनलाइन परीक्षा 8 जनवरी 2022 से 17 फरवरी 2022 तक आयोजित कराई गई थी। इस परीक्षा का परिणाम 24 मार्च 2022 को पीबी द्वारा घोषित किया गया, जो उनकी वेबसाइट www.pb.mp.gov.in पर उपलब्ध है। सफल उम्मीदवारों को अगले चरण के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा फिजिकल प्रवीणता टेस्ट पीपीटी आज से शुरू हो रही है। आज से 5 जून के बीच होने वाली शारीरिक परीक्षा सिर्फ 16, 22 व 23 मई को नहीं होगी। जबलपुर में होने वाली शारीरिक परीक्षा के लिए 11 लोगों की कमेटी बनाई गई है। डीआईजी बालाघाट अविनाश शर्मा इस कमेटी के चेयरमैन बनाए गए हैं। जबलपुर छठवीं वाहिनी में सुबह 6:30 से शारीरिक परीक्षा शुरू होगी। 5 बजे ही अभ्यर्थियों को पहुंचना होगा। भर्ती परीक्षा में दूर दूर से युवक पहुंचे हैं। अपडेट लगातार जानकारी के लिए बने रहे वॉइस ऑफ एमपी के साथ। जय हिंद, जय भारत।